नमस्ते मित्रों, दो फ्रेंड्स सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होते, सेम ग्रेड्स के साथ और ऑलमोस्ट सेम फैमिली बैकग्राउंड के साथ, लेकिन 20 साल के बाद एक फ्रेंड किसी मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ की पोस्ट पे होता है, जबकि दूसरा फ्रेंड कोई छोटी मोटी कंपनी में किसी डिपार्टमेंट में सीनियर पोस्ट पे होता है। यहाँ दोनों फ्रेंड्स को कंपेयर करें तो दोनों की एबिलिटी, एजुकेशन सब सेम था, फिर क्यों एक फ्रेंड ने इतनी सक्सेस हासिल की जबकि दूसरा फ्रेंड मीडियोकर पोजीशन पे रह गया। आज इस वीडियो में हम कैटालिस्ट द अल्टीमेट स्ट्रेटेजीज ऑन हाउ टू विन एट वर्क एंड इन लाइफ बाय चंद्रमौली वेंकटेशन की बुक समरी देखेंगे, जिसमें मौली जी ने कैसे करियर में अल्टीमेट सक्सेस हासिल कर सकते हैं उस पर बात की है। अगर आपने अपना करियर जस्ट स्टार्ट ही किया है तो ये बुक आपको 100% पढ़नी चाहिए। पहले तो ये कैटालिस्ट क्या है? कैटालिस्ट एक केमिस्ट्री का टर्म है जो कि एक सब्सटेंस होता है जो केमिकल प्रोसेस को फास्ट और इफेक्टिव बनाता है। सिमिलरली करियर में भी सक्सेस होने के लिए कुछ कैटालिस्ट की जरूरत होती है, और आज इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 कैटालिस्ट की बात करेंगे। तो चलिए, पहला है रियल इंडिविजुअल ग्रोथ एज ए कैटालिस्ट। रियल इंडिविजुअल ग्रोथ यानी हम एक वर्किंग स्पैन में कितना अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने जजमेंट को, कम्युनिकेशन को और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन बहुत बार सुना होगा, और अगर स्टूडेंट हो तो आगे बहुत बार सुनोगे, व्हाट इज योर वर्क एक्सपीरियंस, आपको इस काम का तजुर्बा क्या है। इसके आंसर में लोग कहते हैं 5 साल, 10 साल या 15 साल, बट यहाँ ऑथर कहते हैं कि एक्सपीरियंस को हम इन टर्म्स ऑफ ईयर नहीं कंसिडर कर सकते। पॉसिबल है कि किसी ने सिर्फ 5 साल काम किया हो लेकिन उसका एक्सपीरियंस 10 साल काम करने वाले से ज्यादा हो। अब हम 3-4 साल के थे तब से चल रहे हैं, दौड़ रहे, बोल रहे हैं, तो उसे क्या हम एक्सपीरियंस कंसिडर कर सकते हैं? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें हम रैंडमली थॉटलेस वे में करते हैं, बिना किसी इम्प्रूवमेंट के या पर्पस के। सिमिलरली हम 10 साल तक रैंडमली थॉटलेस वे में बिना किसी पर्पस के या बिना किसी इम्प्रूवमेंट के एक ही काम करेंगे तो उसे हम क्या एक्सपीरियंस कंसिडर कर सकते हैं? नहीं। यहाँ ऑथर ने टाइम को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए एक कैटालिस्ट बताया है जो कि है TMRR, जहाँ T स्टैंड्स फॉर टारगेट, M फॉर मेजर, R फॉर रिव्यू एंड सेकेंड R फॉर रिफ्लेक्शन। हमारे लिए चलना और दौड़ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एथलीट के लिए वो एक एक्सपीरियंस है क्योंकि वो TMRR कैटालिस्ट यूज करता है। एथलीट अपने लिए टारगेट सेट करता है, कितने टाइम में मुझे इतने किलोमीटर रन करना है, फिर वो उसे मेजर करता है कि उसने कितने टाइम में वो रन कंप्लीट किया, फिर वो रिव्यू करता है कि मेरा टारगेट अचीव हुआ कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या रीजंस थे कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, स्टेमिना कम था एंड मैं वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाया वगैरह वगैरह। उसके बाद वो उसे रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे अब क्या करना है इम्प्रूव करने के लिए, स्टेमिना बढ़ाने, एंड्योरेंस ट्रेनिंग पर फोकस करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वगैरह वगैरह। ऐसे सिमिलर 4-5 साइकिल के बाद एथलीट के परफॉर्मेंस में इनक्रेडिबल इंप्रूवमेंट आ जाएगा जो कि उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। सेम वे में हम कौन से भी फील्ड में काम कर रहे हो, वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो या किसी टेक्निकल फील्ड में, डेली हमें TMRR अप्लाई करना है। यानी सिर्फ काम करने से एक्सपीरियंस गेन नहीं होगा, हमें एक्चुअल में अपने लिए टारगेट सेट करने हैं, फिर उसे मेजर करना है, उसे रिव्यू करना है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करके इम्प्रूव करना है, तब वो ट्रू सेंस में एक्सपीरियंस होगा जो हमें करियर में आगे हेल्प करेगा न्यू इनोवेशन के लिए और सही डिसीजन मेकिंग के लिए। अब सेकेंड कैटालिस्ट है पर्सनल प्रोडक्टिविटी एज ए कैटालिस्ट। कुछ लोग बहुत ही स्किलफुल होते हैं, उनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब आउटपुट की या प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने की बात आती है तब वो गेम से बाहर हो जाते हैं। करियर में अल्टीमेट सक्सेस के लिए जितना इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ग्रोथ है उतनी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी। अगर कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी स्किल हो, लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा तो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस करना मुश्किल है। जैसे एक्सपीरियंस भी सिर्फ काम करने से नहीं बढ़ता, सिमिलरली सिर्फ काम पे टाइम स्पेंड करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। पर्सनल प्रोडक्टिविटी को हमें कैटालाइज करना पड़ता है, और उसके लिए ऑथर ने यहाँ पर 2 तरीके बताए हैं। नंबर 1, फोकस ऑन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहाँ 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक जो हमारे इन्फ्लुएंस में होती है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं जिसे हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस कहेंगे, और सेकेंड वो जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते या कहो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर होती है जिसे हम सर्कल ऑफ कंसर्न भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज अ मैन्युफैक्चरिंग हेड आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हैंडल कर सकते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो, लेकिन अगर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल ही टाइम पे डिलीवर नहीं हो रहा तो उसके लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिमिलरली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद डिलीवर कैसे हो रहा है वो भी आपके डिपार्टमेंट में नहीं है और वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो अगर आप उन चीज़ों पर फोकस करोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप ज़्यादा आउटपुट नहीं दे पाओगे। ऑथर कहते हैं आपको सिर्फ वही चीज़ों पर फोकस करना है जो आपके इन्फ्लुएंस में है, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, और उसमें ही अपना बेस्ट देने की ट्राई करनी है। अगर आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करोगे जो आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर है तो ना तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। एट द सेम टाइम ऐसी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है दिमाग पे, जो फिर काम की चीज़ों में भी एडवर्सली अफेक्ट करती है।
सेकेंड मेथड है रॉक्स फर्स्ट। अब हमने ये बचपन में सैंड एंड रॉक वाली बात सुनी है, अगर आप एक झाड़ लोगे उसको पूरा सैंड से भर दोगे और फिर उसमें रॉक फिल करने की ट्राई करोगे तो उसमें जगह ही नहीं बचेगी। बट अगर आप पहले रॉक फिल करते हो और फिर उसमें सैंड डालते हो तो झाड़ में रॉक फिल करने के बाद भी उसमें इतने वॉइड्स होंगे कि अच्छी खासी अमाउंट की सैंड एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पॉइंट यह है कि आपके जो इम्पोर्टेंट काम है वो है रॉक्स और कम इम्पोर्टेंट या फालतू काम है वो है सैंड। तो आपको दिन में सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम कम्प्लीट करने पे फोकस करना है और बाकी के काम साइड बाय साइड होते रहेंगे। यहाँ आप 80-20 प्रिंसिपल को भी यूज कर सकते हो, यानी सिर्फ उन 20% चीजों पे फोकस करना जिससे 80% रिजल्ट मिलता हो। अब हम थर्ड कैटालिस्ट की बात करते हैं जो कि है वैल्यूज एज ए कैटालिस्ट फॉर लीडरशिप। जैसे जैसे हम कॉर्पोरेट लैडर में ऊपर बढ़ते हैं, एक मेन इंग्रेडिएंट जो सक्सेस के लिए चाहिए वो है लीडरशिप। ग्रेट करियर सक्सेस आती है ग्रेट चेंजेस और ग्रेट इनोवेशन से, और इन दोनों चीजों के लिए चाहिए ग्रेट लीडरशिप, और ऐसी लीडरशिप आती है वैल्यूज के साथ। अब यहाँ बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है जैसे कि इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी, बट हम यहाँ पर पर्टिकुलरली दो वैल्यूज की बात करेंगे जो कि हार्डवर्किंग एंड ह्यूमैनिटी। अगर आप खुद हार्डवर्क नहीं कर सकते हो तो आप किसी और को इंस्पायर नहीं कर सकते, ना ही आप अपने टीम मेंबर से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो ज्यादा आउटपुट दे। तो आपको खुद को उनके लिए एग्जाम्पल बनके उनको इंस्पायर करना है। अब सेकेंड है ह्यूमैनिटी। अब आप कौन से भी लेवल पे हो, कौन से भी पोस्ट पे हो, आपको ये बात हमेशा याद रखने कि आप जो भी हो आपके अकेले की वजह से नहीं हो। आपके सक्सेस में आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली, आपके टीम मेंबर्स का भी कंट्रीब्यूशन है, और उनके बिना ये पॉसिबल नहीं होता। आपको हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात को भी सुनना है और उनके आइडियाज को भी अप्रिशिएट करना है। उन्हें सिर्फ अपने जूनियर्स की तरह ट्रीट करने की जगह उनका मेंटर बनके उन्हें भी लाइफ में सक्सेस के लिए हेल्प करनी है। ये तो सिर्फ दो एग्जांपल थे जो आपने भी पहले सुने होंगे, लेकिन यहाँ कहने का मतलब यह है कि आपकी खुद की वैल्यूज और बिलीफ ही आपकी लीडरशिप को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, जो आपको लाइफ में और करियर में अल्टीमेट सक्सेस दिलाएंगे। चंद्रमौली वेंकटेशन जी ने इस बुक में और भी कई कैटालिस्ट की बात की है जिसको शॉर्ट वीडियो में कवर करना मुश्किल है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करके उन्हें भी इन कैटालिस्ट के बारे में बताइए और मुझे इस रीडर की कम्युनिटी को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।